बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव सांसद बनते ही नई मुसीबत में घिर गए हैं। चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर रंगदारी का बड़ा आरोप लगाया है। वहीं अब इस मामले पर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com, मैं सत्येंद्र शर्मा। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने शिकायत में बताया है कि 4 जून को मतगणना वाले दिन पप्पू यादव ने उसे अपने घर बुलाया था। जब व्यवसायी पप्पू यादव के घर पहुंचा तो उन्होंने उससे 1 करोड़ रुपए के लिए कहा। पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि पप्पू यादव ने पैसे मांगने के साथ साथ धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके अलावा पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगले 5 साल तक वह पूर्णिया के सांसद रहने वाले हैं और उसे तब तक उनसे निपटना रहना होगा। फर्नीचर व्यवसायी की शिकायत के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब केस दर्ज होने के बाद पप्पू यादव का जवाब भी सामने आया है। उन्होंने कहा, देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है। एक अधिकारी और विरोधियों की साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए, जो दोषी हो उसे फांसी दे दें। बता दें कि हाल ही में चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव पहली बार दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। दरअसल पप्पू यादव इस लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे के तहत पूर्णिया सीट लालू यादव की पार्टी RJD के खाते में जाने के बाद से पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद से पप्पू यादव ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता भी। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव पर यह आरोप लगा है, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि चुनावी दौर में जिस तरह से पप्पू यादव RJD परिवार पर यानी कि लालू परिवार पर हमलावर हो रहे थे, तेजस्वी यादव पर उन्होंने कई सारे बड़ी बातें कही थी और चुनाव जिस तरह से RJD के खाते में सीट गई थी उसके बाद से वहाँ हमला हो रहा था और पप्पू यादव कांग्रेस से हट करके वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही थी, और यही वजह रहा कि पप्पू यादव के प्रचार में राहुल गांधी वहां पे नहीं पहुंचे थे पूर्णिया में। लेकिन पप्पू यादव ने अपना दम दिखाया, पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को अपना समर्थन दिया, प्यार दिया और पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को लोकसभा में भेजने में मदद की और उनको जीत दिलाई। पप्पू यादव के इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।